हेलो दोस्तों, आई होप एंड विश कि आप सब लोग ठीक हैं। सो माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल इज़ अबाउट स्पीड रैंपिंग। स्पीड रैंपिंग करने के एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जो मैक्सिमम एडिटर्स, 90% एडिटर्स फॉलो नहीं करते हैं। FCPX में इसके लिए कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सो स्पीड रैंपिंग का प्रॉपर तरीका क्या होता है, आज वो समझते हैं एंड बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सो सबसे पहले ये हमारा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। मैंने कुछ ये फुटेजेस डाउनलोड किए हैं, एक ये डाउनलोड किए हैं जस्ट आपको एग्जांपल बताने के लिए कि स्पीड रैंपिंग, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्लो हो और एकदम से फास्ट हो एंड फिर स्लो हो जाए, तो उसका सबसे सही तरीका करने का क्या है। सो फिलहाल ये चार फुटेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं pexels.com से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, pexels.com फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से जितनी मर्जी फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सो फिलहाल हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ओपन करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू डेस्कटॉप पे स्पीड रैंपिंग ट्यूटोरियल मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे हम स्पीड रैंपिंग ट्यूटोरियल इसको सेव करते हैं इस तरीके से। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा आप इवेंट को एक नाम दो एसेट्स का। यहाँ पे कमांड शिफ्ट एंड के से आप प्रेस करके एक कीवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे हम वीडियोस लिखते हैं। कमांड आई से मैंने इंपोर्ट किया। डेस्कटॉप पे हमारी स्पीड रैंपिंग ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस मैं इंपोर्ट करता हूँ। लीव फाइल्स एट प्लेस एंड बाकी अभी हमें प्रॉक्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। चार वीडियोस हैं सिर्फ ट्यूटोरियल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रॉक्सीज आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कुछ नाम रख देते हैं, स्पीड रैंपिंग ट्यूटोरियल एसेट्स। एंड इसके नीचे टाइम कोड, यहाँ पे वीडियो मेरी 1080p 29.97 फ्रेम रेट रहेगा। ऑलराइट, ये करते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम लेके आते हैं हमारे पहले वीडियो को। यहाँ पे मैं W प्रेस करता हूँ ताकि टाइमलाइन में मेरे आ जाए। कमांड प्लस से जूम इन। सो अब मैं चाहता हूँ, यहाँ से मैं अपनी स्किमिंग ऑन करता हूँ। स्किमिंग से क्या होगा, मुझे पता लग जाता है एग्जैक्टली मेरी वीडियो इस टाइमलाइन में क्या है। मुझे यहाँ प्ले करके देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ओवर भी करूँगा, ऐसे जाऊँगा तो भी ये वीडियो मुझे इजीली दिख जाएगा। ऑलराइट, सो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मुझे स्लो चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक स्लो एंड यहाँ से फास्ट होना चाहिए, फिर स्लो हो जाना चाहिए। ऑलराइट, सो अब हमारा तरीका क्या होगा, अगर हमने फास्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। जो कि ज़्यादा राइडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे जहाँ से हमें स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए। यहाँ हमने कट मारा, आगे गए, यहाँ पे हमने कट लगाया, यहाँ गए एंड कमांड आर प्रेस करके फास्ट करके इसको 20x और कर दिया। सो प्ले करके देखते हैं, ये देखो। लेकिन ये हमारी स्पीड रैंपिंग हो तो गई, लेकिन एक आपने देखा होगा, ये देखिए यहाँ पे एंड में और स्टार्टिंग में एक झटका आता है। देखिए ये झटके से स्टार्ट हुआ और झटके से ख़त्म हुआ, एक हल्का सा झटका सा आता है, जर्क आता है जो कि नहीं आनी चाहिए। सो उस जर्क को हम किस तरीके से ठीक करें ताकि बहुत स्मूथली हमारी ट्रांजिशन हो, बहुत स्मूथली स्पीड रैंपिंग हो, सो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए ये झटका आया। ऑलराइट, सो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके को मत अपनाएं। अगर आप FCPX में कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका जो है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है रेंज टूल का आपको यूज़ करना है। इसके अंदर रेंज टूल आर प्रेस करेंगे, आपका रेंज टूल एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रेंज सिलेक्शन टूल है। कहाँ से आपको फास्ट चाहिए, अगर हमें सपोज़ कीजिए यहाँ तक स्लो चाहिए और यहाँ से मुझे फास्ट चाहिए, इसमें क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक मुझे फास्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया।
ऑलराइट, अब मैं जाऊंगा सीधा यहाँ पे, ये स्पीड रैंपिंग के ऑप्शंस हैं, फास्ट स्लो, कितना फास्ट करना चाहते हैं, 8x 20x, या कस्टम स्पीड भी आप डाल सकते हो, 1500% स्पीड तेज होनी चाहिए या जो भी है। फिलहाल मैं यहाँ पे 20x करता हूँ। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे हमारा ग्रीन है, यहाँ बीच में एक ब्लू कलर का हमारा बन गया, और यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर, और यहाँ ब्लू को डार्क ब्लू कलर के हमारे बन चुके हैं। सो ये बेसिकली क्या करेगा, स्किमिंग में ऑफ करता हूँ। अब देखिए डिफरेंस आपको दिखाई देगा, मैं प्ले करता हूँ, ये स्लो हुआ और ये फास्ट हुआ। ये देखिए कितने प्यार से, कितने आराम से ये हुआ। थोड़ा मैं जूम एकदम फुल स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स प्ले दिस, अब देखेंगे ये एकदम से, कोई जर्क नहीं, कोई जंप नहीं, आराम से प्यार से स्मूथली हमारा जो रैंपिंग है वो हो गई यहाँ पे। ये देखिए फिर से देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको और स्मूथ कर सकते हैं, और स्मूथ हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ से ये जो हमारे आप देख रहे हैं, ये जो डार्क ग्रीन डार्क ब्लू, ये ईज करने, जो इजीनेस हमने बढ़ानी है अपनी फास्ट मोशन की, ये उसको डिनोट करते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो डार्क ब्लू वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा बढ़ाऊँगा यहाँ से, लेफ्ट से, और यहाँ राइट से भी बढ़ाऊँगा, और थोड़ी ईजनेस जो है बढ़ जाए। यहाँ से मैं थोड़ा और कम करूँगा, ड्यूरेशन देखिए हमारा सेम रहेगा, ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ से मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ऑलराइट, अब थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा, ड्यूरेशन हमारी हम सेम ही रहेगी, ये करने से ड्यूरेशन चेंज नहीं होगी। अभी प्ले करके देखते हैं, बहुत ही स्मूथ, इससे ज़्यादा स्मूथ रैंपिंग नहीं हो सकती। ये देखिए प्ले करके देखते हैं, FCBX यूज़ करते हो तो इसी टेक्निक से आप स्पीड रैंपिंग किया करो। अभी दूसरा एग्जांपल चलते हैं, ECT वाला एग्जांपल लेते हैं पहले, लेट्स गो टू दिस एग्जांपल फर्स्ट। सो ये बेसिकली बाहर की तरफ आ रहा है। ऑलराइट, ये मैं चाहता हूँ स्टार्ट हो, ये ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे आके आई थिंक एंड हो जाना चाहिए। तो इतना मैं कट लगा के पहले डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ आर टूल प्रेस करता हूँ। सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कैमरा हमारा मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी मैं एक यहाँ से हमारे कैमरा मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो पहले तो ये डिलीट करता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से मैं चाहता हूँ रैंपिंग हमारी शुरू हो और ये यहाँ तक, बस दैट्स इट, इतना मैं रैम्प करना चाहता हूँ। अगेन फास्ट पे जाऊँगा, 20x पे रैम्प करता हूँ, जूम इन करूँगा, अभी देखते हैं, रिप्ले करके देखते हैं इसको। ओके, रेंडर मांग रहा है क्योंकि हमने रैम्पिंग की है, इफेक्ट डाला है, तो डेफिनेटली रेंडर मांगेगा। ये ऊपर आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, तो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ रेंडर, आप रेंडर भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने रेंडर ऑफ कर रखा है, रेंडर अगर ऑन करना है तो प्रेफरेंसेस में जाके बैकग्राउंड रेंडर आप ऑन रख सकते हैं। सो क्या है, जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ये रेंडर होता जाएगा। अब ये रेंडर हो चुका है, अब हम प्ले करके देख लेते हैं, देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। और स्मूथ करने के लिए ये मैं ब्लू को, ये जो हमारा डार्क ब्लू पोर्शन है इसको थोड़ा यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट। अभी हम ग्रीन वाले को नहीं बढ़ाते एंड देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ऑलराइट, थोड़ा रेंडर इट रिक्वायर, ऑलवेज जब भी हम कोई भी चीज़ डालेंगे, कुछ भी ऐसा इफेक्ट डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली रेंडर, इट रिक्वायर्स अ रेंडर। सो अगेन हम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, यस वेरी नाइस। सो अब मुझे ये ग्रीन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे इतना ही ईज देना है।
इसके अंदर आई थिंक दिस इज इनफ। सो इस तरीके से हम यहाँ पे आपने देखा ईज़ ज़्यादा दिया था, यहाँ पे ईज़ कम दिया है क्योंकि मुझे फटाफट रिवील करना है। एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ जल्दी रिवील हो बिल्डिंग्स जो मेरी हैं, तो इसलिए ज़्यादा ईजीनेस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मुझे स्मूथनेस चाहिए थी जो मुझे मिल गई है। ये देखिए कोई जर्क नहीं, कोई जंप नहीं। इसी तरीके से ये भी एक ऑप्शन है, ये भी हम फटाफट एक करके देख लेते हैं। सो ये स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से, हम लेते हैं इसको रेंज टूल और यहाँ तक मैं लेता हूँ, यहाँ तक मैं इसको स्पीड रैम करना चाहता हूँ। फास्ट पे जाऊँगा, 20x पे जाऊँगा, जूम करके चेक करते हैं एक बार, प्ले करके देखते हैं। ये स्टार्ट हुआ और यस, थोड़ा सा यहाँ पे हम ईजनेस इसकी माउंटेन्स थोड़ा धीरे धीरे भी रिवील हो तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ से ईजनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसकी। ऑलराइट, रेंडर हो गया है, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। यस वेरी नाइस, अगेन देखते हैं प्ले करके, ये देखिए। सो इस तरीके से आप स्पीड रैंपिंग कर सकते हैं FCPX में, ये सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी कोई भी स्पीड रैंप करनी हो किसी भी चीज़ के लिए, का म्यूज़िक वीडियो हो चाहे वेडिंग हो कुछ भी हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ आवर न्यू सेक्शन ऑफ ट्यूटोरियल्स। आज से हम ट्यूटोरियल का सेक्शन दोबारा स्टार्ट करेंगे एंड मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं फिर वीडियोस बनाना फिर से बंद कर दूंगा। सो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया, एंड अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।